ये है Hyundai की नई क्रेटा, 2020 क्रेटा इसे कहते हैं। और ये गाड़ी इस बात का प्रूफ है कि कभी कभी लाइफ में आपके पास सब कुछ हो जाता है, सब कुछ मिल सकता है आपको एक ही गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये गाड़ी है देखने में बाहर से बहुत ही बेहतरीन। ये गाड़ी बाहर से मुझे लगती है Hyundai Palisade का मिनीचर वर्जन। Palisade कौन सी गाड़ी है वो आप जाके देख सकते हैं गूगल पे। अमेरिका में एक लार्ज साइज Hyundai की SUV, उसका नाम Palisade, और बहुत ही अच्छी SUV हो। तो ये गाड़ी उसकी तरह ही लगती है, बाहर से पॉश लगती है, लग्जूरियस लगती है, अपमार्केट लगती है, और अंदर से भी बहुत ही लग्जूरियस है, बड़ी है, स्पेस के मामले में, कंफर्ट के मामले में और फीचर्स के मामले में भी कोई कमी नहीं है। और सबसे खास बात जो क्रेटा की है वो ये है कि ये हर बजट के लिए मौजूद है। अगर आपका बजट 10-11 लाख का तो आपके लिए क्रेटा मौजूद है, अगर आपका बजट 18-19 लाख का तो भी आपके लिए क्रेटा मौजूद है। अगर आपको चाहिए रिफाइनमेंट में एक अच्छी डीजल गाड़ी तो भी क्रेटा आपके लिए मौजूद है। अगर आपको चाहिए परफॉर्मेंस के लिए आपसे अच्छी गाड़ी तो भी आपके लिए 1.4 लीटर टर्बोचार्ज वाली मौजूद है। ऑटोमेटिक्स भी इसके अंदर आते हैं, तो बहुत बड़ी वेरियंस लिस्ट है, बहुत ज़्यादा फीचर्स आते हैं, देखने में अच्छी है। और इन शॉर्ट अगर मैं बात बोलूँ तो वो ये है दैट दिस इज़ दी अल्टीमेट SUV जो Hyundai कहता है, वाकई अल्टीमेट SUV है। और क्यों ये अल्टीमेट SUV, क्यों मेरी फेवरेट SUV है ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ अगले 10-12 मिनटों के लिए, हम बताते हैं आपको क्रेटा की कुछ खास खूबियां और बताते हैं व्हाई इट इज़ द अल्टीमेट SUV एंड इट शुड बी ऑन योर बाइंग लिस्ट, इन योर शॉपिंग लिस्ट, इफ इन द मार्केट फॉर एनी काइंड ऑफ SUV, मिड साइज SUV, लार्ज साइज SUV और कॉम्पैक्ट SUV, शुड फॉरगेट एवरीथिंग एंड सिंपली बाय द Hyundai क्रेटा। बट उससे पहले आपको मैं एक बार थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि इस चैनल को स्टार्ट के करीब एक साल हो गया है और इस एक साल में आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है। आपके सपोर्ट के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और लाइफ में जब भी आपके पास एक ट्रस्टेबल, डिपेंडेबल, रिलायबल फ्रेंड आपके साथ हो Hyundai की तरह, क्रेटा की तरह, तो लाइफ आपकी ईजी हो जाती है और लाइफ में आराम से आप आगे बढ़ पाते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट एंड योर इंकरेजमेंट एंड ऑल योर लाइक्स, डिसलाइक्स, ऑल योर कॉमेंट्स, विदाउट विच कमिंग हियर एंड रीचिंग दिस फार वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। Thanks once again, and now let's get started with the video. Let's jump inside and show you what makes the Creta 2020 so special and really the ultimate SUV in India. हाँ, तो अगर हम बात करें क्रेटा के कैबिन की, तो सबसे अच्छी बात है इस गाड़ी की वो है इसका फील गुड फैक्टर। जो इस गाड़ी के अंदर आप बैठेंगे तब आपको एकदम से एक अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, एकदम अच्छी वाइब आएगी। और ये Hyundai गाड़ियों में खासियत होती है कि इनके कैबिन होते हैं, इसके अंदर क्या डालते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं, बेहतरीन फीचर्स होते हैं और एक फील गुड फैक्टर होता है, एक्स फैक्टर जैसे आप कह सकते हैं कि आप टच एंड फील जब करेंगे गाड़ी को तो आपको अच्छा लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सही गाड़ी पर पैसा लगाया है। आपको कभी अफसोस नहीं होगा कि मैंने गलत जगह पर पैसा लगा दिया या मैं कोई और गाड़ी ले लेता है, कोई राइवल ले लेता तो ज़्यादा बेहतर रहता। कुछ अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो मेरा सबसे फेवरेट फीचर है कूल फ्रंट सीट्स। ये एक ऐसा फीचर है जो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेंगे और खुश रहेंगे यूज़ करके, खास तौर पे अगर आप रहते हैं ऐसी जगह पे जो गर्म रहती है, खास तौर पे दिल्ली NCR रीजन के आसपास अगर आप रहते हैं तो गर्मियों में ये फीचर आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग फॉर मोबाइल फ़ोन, आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, और एक और फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है पूरा पैनोरामिक सनरूफ जो कि पीछे तक जाता है, और पीछे तक जब खुल जाता है तो गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा एक अच्छा लाइट आती है, रोशनी गाड़ी के अंदर अच्छी आती है। और शाम के टाइम जब अपनी फैमिली के साथ निकलेंगे और खोलेंगे और आप देखेंगे पेड़ पत्तों को ऊपर या फिर आसमान को खुले हुए देखेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ जाएंगी, आपकी थकान दिन भर की दूर हो जाएगी जब आप ये खोल के पीछे बैठेंगे और ऊपर छत की तरफ देखेंगे और पहाड़ों की तरफ अगर आप निकलते हैं, अगर जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप निकलते हैं पहाड़ों की तरफ तो एकदम पहाड़ों को आप आराम से खुली छत से देख सकते हैं और ओपन स्काइज देख सकते हैं। तो सनरूफ इज़ अ ग्रेट फीचर, दी कूल ग्लव बॉक्स इज़ अ ग्रेट फीचर, द कूल फ्रंट सीट इज़ अ ग्रेट फीचर, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको एक मिलता है इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, यानी कि एक बटन मिलता है जिसको आप दबा सकते हैं, ऑटो होल्ड का फंक्शन भी मिलता है। और ये फंक्शन बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो पहाड़ों पर गाड़ी चलाते हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ पर गाड़ी कभी ऊपर और कभी नीचे हो सकती है क्योंकि इंक्लाइंस और डिक्लाइंस होते हैं, तो वहाँ पर भी ये गाड़ी अपने आप हैंड ब्रेक ले लेगी और खड़ी हो जाएगी विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम यू। सो ओवरऑल जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात ये है, छोटी बात रखते हैं, दैट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ द एम्बियंस, इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ द फील गुड फैक्टर, दिस कार हैज़ इट ऑल। एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो गेट द ब्लूलिंग कैप बिफोर आई फॉरगेट, उससे आपको इसे एक अच्छी कनेक्टेड कार बनाने का मौका मिलता है। और कनेक्टेड कार का मतलब ये है कि आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं गाड़ी में तेल कितना रह गया है, गाड़ी चली कितनी है, गाड़ी का AC आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप पार्किंग में भूल जाते हैं आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, कहीं मॉल में खड़ी कर रखी है, तो आप ऐसे बटन दबा के अपने फ़ोन पर चेक कर सकते हैं गाड़ी कहाँ खड़ी है और गाड़ी तक आपको ये ऐप लेके चली जाएगी। तो ओवरऑल एज जस्ट सेड इट्स अ 5-star कार, इनफैक्ट इट्स अ 7-star कार, एंड डेफिनेटली इट इज़ द अल्टीमेट SUV इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ कम्फर्ट। एंड नाउ लेट्स गेट ऑन द ड्राइविंग बिट्स एंड टेल यू हाउ इट इज़ टू ड्राइव। हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ Hyundai की क्रेटा,
और जैसा आप देख सकते हैं कि हम शहर से बाहर निकल चुके हैं, पहाड़ों की तरफ आ गए हैं, खुले रास्ते हैं और पहाड़ों पर इसलिए आए हैं ताकि हम थोड़ा माइंड फ्रेश कर सकें, थोड़ी खुली हवा, ताज़ी हवा ले सकें और कुछ नए आइडियाज़ के साथ आपको हम और भी ज़्यादा एंटरटेन और इन्फॉर्म कर सकें। अगर आप लेना चाहते हैं क्रेटा, तो आप चाहे पेट्रोल खरीदिए, चाहे आप टर्बो चार्ज पेट्रोल खरीदिए, चाहे आप डीजल खरीदिए, सबसे अच्छी बात जो इस गाड़ी की है वो है इसकी ओवरऑल रिफाइनमेंट। जी हाँ, जो रिफाइनमेंट लेवल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आली शान है, ख़ास तौर पे जो मैं डीजल आज चला रहा हूँ। ह्यूंडई कहते हैं कि करीब 60% लोग 60% लोग डीजल वर्जन प्रेफर कर रहे हैं, और जो लोग पहले कह रहे थे, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स या बाहर के लोग कह रहे थे कि डीजल मार्केट से ख़त्म हो गया है, वो लोग बिल्कुल गलत थे, क्योंकि ह्यूंडई 60% इस गाड़ी को डीजल में बेच रहा है। तो डीजल वर्जन की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो इसमें बहुत अच्छा टॉर्क है, काफ़ी अच्छी पावर है और साथ ही साथ रिफाइनमेंट तो बेहतरीन है ही। पहाड़ों पर जब इस गाड़ी को लेकर जाएंगे तो आपको बार बार गियर चेंज नहीं करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि बार बार आपको गियर शिफ्ट करने पड़ रहे हैं ताकि आप बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकें। और अगर गियर चेंज करने ही पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि जो इसका गियर बॉक्स है बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी है और उसके ओवरऑल थ्रोज है वो भी काफ़ी शॉर्ट है। साथ ही जो क्लच एक्शन है इस गाड़ी का वो भी काफ़ी लाइट है, तो आप थकेंगे नहीं गाड़ी को चला के, ना ही आप इरिटेट होंगे कि मुझे बार बार गियर शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। एक बात जो आपको और भी अच्छी लगेगी इस गाड़ी की वो है इसकी ओवरऑल हैंडलिंग। हैंडलिंग के मामले में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। जो SUVs होती हैं वो आमतौर पर स्पोर्टी हैंडलिंग के लिए जारी नहीं जाती हैं, और जो इनके ओनर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो इन गाड़ियों को स्पोर्टी हैंडलिंग की वजह से लेते भी नहीं है। तो देखिए, थोड़ा बहुत बॉडी रोल तो हर गाड़ी में होता है SUV में, और इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि बॉडी रोल बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो इसके ओवरऑल टायर्स का ग्रिप लेवल है वो बहुत ही अच्छा है, जो स्टेयरिंग व्हील का फीडबैक है वो बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। और जब इस गाड़ी को आप मोड़ों पर ऐसे ऐसे ले जाएंगे जैसे मैं ले जा रहा हूँ इस वक्त, तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि गाड़ी जितनी आप मोड़ रहे हैं उतनी ही मोड़ रही है, बॉडी वाला कंट्रोल है। और एक और बात जो बहुत अच्छी है इसकी वो ये है कि इसकी जो रिफाइनमेंट है डीजल इंजन की खासतौर पर वो बहुत ही आलीशान है, वो इसलिए क्योंकि जब मैं इसको रेव कर रहा हूँ, सेकंड गियर पे चढ़ाई पे चढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी शोर शराबा गाड़ी के अंदर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दूर कोई बातचीत कर रहा है, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अपनी फैमिली के साथ बैठ के जब आप बातचीत कर रहे होंगे, तो ये नहीं लगेगा कि गाड़ी बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है या मुझे दिक्कत हो रही है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ Hyundai's CRDI डीजल टेक्नोलॉजी। क्या कोई और राइवल है जो आपको इतना रिफाइनमेंट दे सकता है डीजल इंजन के साथ? वेल, आई डोंट थिंक सो। अगर आप अपने आप को कीन ड्राइवर कहते हैं और आप कहते हैं नहीं मुझे डीजल नहीं चाहिए, मुझे तो पेट्रोल ही लेने हैं, तो Hyundai ने आपके लिए दो इंजन ऑप्शन दे रखे हैं। जी हाँ, कुछ जो राइवल्स हैं इस सेगमेंट में वो तो पेट्रोल का ऑप्शन देते ही नहीं, और Hyundai ने आपको दो इंजन दे रखे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और इसलिए अच्छी बात है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता बहुत ज़्यादा फैंसी पावर वाली गाड़ी लेना, मैं चाहता हूँ नॉर्मल गाड़ी मैनुअल में, तो आपके पास 1.5 लीटर का एक इंजन आता है जो बनाते हैं 115 bhp पेट्रोल में। और दूसरा इंजन उन लोगों के लिए जो अपने आपको एंथुजियास्ट कहते हैं मैं कीन ड्राइवर हूँ, वो इंजन है 1.4 का टर्बो चार्ज पेट्रोल जो बनाता है 140 bhp, और 140 bhp एक अच्छी फिगर है। इसलिए भी अच्छा है वो इंजन क्योंकि उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 7-speed डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का। और अगर आप एंथुजियास्ट हैं, कीन ड्राइवर हैं, अगर शौकिया आप गाड़ी रखते हैं सिर्फ चलाने के लिए, तो वो इंजन मैं रिकमेंड करूँगा उस गियरबॉक्स के साथ, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मैंने चलाई है वो गाड़ी भी, उसका भी रिव्यू मैंने किया है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्लिक करके। अगर हम बात करते हैं Hyundai Creta के ओवरऑल कैबिन एम्बियंस और फीचर्स की, तो वैसे तो इसमें टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट इन द सेगमेंट फीचर्स आते हैं, लेकिन दो तीन ऐसे फीचर्स हैं जो कि वाकई स्टैंड आउट करते हैं। उनमें से एक ऑफ कोर्स ये है पैनोरामिक सनरूफ, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। कूल फ्रंट सीट्स तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लंबे सफ़र पर आपको ठंडा रखती हैं और आपका दिमाग भी शांत रहता है इनमें बैठ के। लेकिन एक और बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो कि है इसके अंदर आपको एयर प्योरीफायर मिलता है, और वो भी AQI मीटर के साथ मिलता है, यानी कि आपको बार बार गाड़ी याद दिलाती रहेगी कि गाड़ी के अंदर हवा की क्वालिटी कैसी है। और ये बहुत ही एक थॉटफुल टच है Hyundai ने लगाया है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, पोल्यूशन का माहौल रहता है हमारे शहरों में, उस हिसाब से गाड़ी के कैबिन में कम से कम आपको पोल्यूशन का एहसास नहीं होना चाहिए। सो Hyundai रियली हैज़ पुट अ लॉट ऑफ थॉटफुल टच इनटू द कार, एंड आई थिंक दीज आर द स्मॉल एलिमेंट्स व्हिच मेक अ बिग डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू योर कार बाइंग एक्सपीरियंस एंड द ओनरशिप एक्सपीरियंस एज वेल। बीइंग अ Hyundai मींस कि आपको ऑब्वियसली आफ्टर सेल्स सर्विस की टेंशन तो बिल्कुल नहीं होगी। और एक और बात Hyundai की ये अच्छी है कि इसकी जो डिजायरेबिलिटी फैक्टर है वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छी मिलेगी जब आप 5 या 10 साल बाद गाड़ी को बेचने जाएंगे। तो ओवरऑल आई थिंक दैट Hyundai Creta इज द बेस्ट इन सेगमेंट, इट्स द बेस्ट SUV एट दिस प्राइस पॉइंट, एंड डेफिनेटली इट्स अ कार व्हिच स्टैंड्स हेड एंड शोल्डर्स अबव
इट्स कॉम्पिटिशन। तो आपको कैसा लगा आज का हमारा प्रेजेंटेशन? मुझे तो बहुत मज़ा आया ये वीडियो बनाने में आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी उतना ही मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में। एंड आई एम श्योर दैट यू विल एग्री विद मी दैट Hyundai Creta इज द बेस्ट SUV इन द सेगमेंट। इट्स बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।